अलमैक व्यूज हम आपके लिए लेके आए वीकली ईस्टर्न टैरो एंडजोडिया स्टार्टिंग फ्राम ट्वेंटियथ ऑफ फेबर टू ट्वेंटी सिक्स फेबर और ये पाइसिस का बर्थडे मंथ शुरू हो जाता है तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल पाइसिस बट हम स्टार्ट करेंगे केप्रिकॉन से केप्रिकॉन का ये वाला हफ्ता थोड़ा ट्रामेटिक है उनको थोड़े पैनिक अटैक्स फेयर्स शक नगेटिव फीलिंग्स से हफ़्ता शुरू हो रहा है बट डोंट वरी दुआ का कार्ड भी आया है आप या रहमानो या रहीमो या करीमो या अल्लाह हो इसका बहुत ज़्यादा वर्ध करें खुल्ला ताकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है सस्पेशन ग़ुस्सा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ये हट जाए और आपके अंदर या कवियों का विरध भी कर सकते हैं आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए क्योंकि अगर इस हफ्ते में पॉजिटिविटी आई तो फाइनेंशियल फ़ायदा भी होना है रिलेशनशिप्स भी बिल्डअप होनी है और अगर अगर पास्ट की कोई दुश्मनी है तो ख़त्म भी हो सकती है ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली जिम या अगर वॉक कोई भी एक्सरसाइज कर करें माइल्ड करें डीप ब्रीदिंग ज़्यादा करें इस हफ्ते में अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया तो आपके अंदर लेटर पार्ट ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी जिसके लिए सद का भी दें फिर हम आ जाते हैं इक्वेरियस पे। एकवेरियस अगेन बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के मूड में है सो दे आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्रिएटिव थिंग्स अगर कोई राइटर्स हैं या अगर कोई डिजिटल उसमें कर रहा है तो वो अपनी नई चीज़ शुरू कर सकते हैं मार्केटिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है लव के अंदर थोड़ा ब्रेकअप का चांस है आपने ईगो नहीं रखना है अपने ईगो को आप साइड पे रखें और या हकीमों मींस अल्लाह का नाम विजडम देने वाला या हकीमों या वदूदों का व्यत करें ताकि लव के अंदर आप विजडम से चलें आप ईगो ना रखें यूजली एक्वेरियस ईगो रख के मूव ऑन कर जाते हैं और अच्छी चीज़ को भी जाने देते हैं माइंड गेम्स भी ना खेलें बी वेरी वेरी क्लियर एंड प्योर दिस वीक कैन बी वेरी गुड इफ़ यू टैकल इट दैट वे फिर हम आ जाते हैं पाइसिस के ऊपर अगेन पाइसिस को हैप्पी बर्थडे दिस इज़ ए गुड कार्ड दिस इजिंग कार्ड अगर आपको फ़र्श करें आप पैसिस को लगे कि उनकी जॉब ख़त्म हो गई है या उनका काम ख़त्म हो गया है वो घर पे बैठे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही क्या करें तो याद रखें अगर एक दरवाज़ा खुदा बंद करता है वो इसलिए करता है कि दूसरे खुले होते हैं और दूसरे बहुत स्ट्रांगली खुलने होते हैं और आपको लगे कि आगे मुझे उतनी चीज़ नहीं मिल रही जितनी पास में मिल रही थी तो शायद इससे बड़ी चीज़ हो सो so, ये बहुत न्यू बिगिनिंग्स का वीक है फॉर पाइसिस है इज मूव योर लॉस मूव ऑन दिस अ लॉट बेटर टू कम फाइनेंशियली वर्क वाइज अगर आप किसी के एम्प्लॉय है या ख़ुद से बिजनेस है इसको फॉलो करें या हफीज अल्लाह का नाम या फताओ के साथ मिला के वन थर्टी फोर टाइम्स पढ़ें लव इज़ ओके okay, ज़्यादा आपने पाइसिस ने इमोशनल नहीं होना और डिमांडिंग नहीं होना ये एमेथिस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें

व्यूज़ में बारी बारी आपको वीडियोस में बताती हूँ कि जब जम्पीनेस ऑफ द हार्ट हो जब आप बहुत पैशनेट हो तो या तो दूसरों का वेट करें या तो कर दूसरों आपको काम कर देगा आप काम डाउन हो जाएगी आपकी एनर्जी और आप स्पेशली एरीज स्पीक में बहुत स्मूद होकर चलेंगे अगेन इनके लिए हालांकि इनका बर्थ स्टोन नहीं है ये भी फिरोजा यूज़ कर सकते हैं फिरोजा किन कहते हैं वेरी गुड स्ट्रोक ऑफ लक Uh, इन के लिए छोटा साइज भी हो सकता है अगेन चैरिटेबल वर्क करें और कोशिश करें कि ऑफेंस के लिए करें सद भी देना है तो ऑफेंस को दें इनके लिए बहुत मॉनेटरी लक होगी फिर हम आ जाते हैं टॉरस पे टॉरस के लिए ये बड़ा रिलैक्स सा हफ्ता है सो so, अगर आप थोड़ा सा इसमें इंजॉय करना चाहते हैं थोड़ा सा ऑफिस को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या आपको एनर्जी देगी अगले हफ़्तों के लिए इसके अंदर आप अल्लाह का पहला नाम या रहीमों पढ़ें लाइटली लें आराम से बैठें अपने आप को काम डाउन करें और फाइनेंशियली अगर कोई रिस्क लेना है तो ले लें इस हफ्ते की की चीज़ है कि फाइनेंशियल रिस्क लेना है तो ले लें या बारी अल्लाह का नाम एक सौ दो मरतबा पढ़ें और अगर आपने कोई सदका या कुछ देना है तो आप देखें कि ओल्ड लोग ऑफन एज एंड स्पेशली ओल्ड विमेन जिनके पास आ, कोई ऐसे परमानेंट चीज़ ना हो तो उनके लिए आप सद पे हाथ रखें और सद जारिया के अंदर इंडर्ज करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आगे पूरे साल के लिए फिर हम आ जाते हैं जयम पे पर बड़े अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं बड़े बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं बिजनेस के और उनके लिए वर्क करेंगे आ, चाहे चाहे नौकरी छोड़ के ख़ुद का बिज़नेस शुरू करना चाहें या मुल्क से बाहर जाना चाहें या मुल्क से बाहर कोई नई चीज़ को आप करना चाहें तो वो हो सकता है और अगर किसी क्रिएटिव चीज़ में है तो क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं और उनको रेकग्नेशन भी मिलेगी अगेन इर्द गिर्द के लोगों की बहुत जैलसी है आप भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लोगों को या मैंने बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं तो इतना ना बताएं खामोशी से अपना काम करें ताकि आपको आपकी लक मिले फिर हम आ जाते हैं कैंसर पे कैंसर के लिए या सलामों हेल्थ के लिए थोड़ा सा वीक कार्ड है बाय दैट आई डोंट मीन एनी सीरियस इलनेस लेकिन कैंसेरियंस अपने हेल्थ के बारे में केयरफुल रहें अवॉइड फैटी फूड्स अवॉइड फ्राइड फूड्स और uh, बहुत ज़्यादा फ्रेशर और वाइटामिन डी लें बाहर रहें आउटडोर में रहें और या सलामों का जितना व्यर्द हो सकता है करें अगेन ये लोग भी अपना सबका दें और कोशिश करें कि ये uh, वो लोग जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते ए, या बिल्कुल कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या दीनी तालीम लेना चाह रहे हैं या कोई किसी 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 टैलेंट को इन्हांस करें दो पीपल हैव नो हैसेज तो आप खत सदका खैरत दोनों कर सकते हैं आ, कैंसेरियंस फिर हम आ जाते हैं लियो के ऊपर लियो के लिए अगेन उनकी ईगो ब्रूज होने वाली है लम में उनको थोड़ी सी रिजेक्शन मिलेगी बिकॉज लियो का ये है कि अगर उनको लव में रिजेक्शन मिले वैदे या मेल और फीमेल तो वो ज़्यादा इन लव हो जाते हैं सो so, कोशिश करें कि राइट रीजन के लिए इन लव हो ऑल द लव इज़ कमिंग गुड योर वे इसके लिए आप या वदूदो या जाहिर हो पढ़ें या वदूदो और या ज़ाहिर हो खुला आप पढ़ें ट्रैवल कार्ड इज़ गुड किसी ओल्ड फ्रेंड ओल्ड एसोसिएट से मुलाकात हो सकती है जो बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप पे भी कन्वर्ट हो सकती है फिर हम आ जाते हैं वर्गों के ऊपर वर्गों फोकस्ड हो गए हैं उन्होंने नया कोई अपना कारोबार शुरू करने के लिए काफ़ी होमवर्क कर लिया है अगेन नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों ने भी ज़्यादा लोगों को नहीं बताना चैरिटेबल वर्क में किसी भी टाइप के वर्क में कर सकते हैं बट बेहतर है आप हेल्थ रिलेटेड वर्क में करें वर्गों का नंबर व्यूअर्स मैं कई स्टार साइन के लकी नंबर्स दे रही हूँ कईयों के नहीं दे रही लेकिन उनके दे रही हूँ जो बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं तो वर्गों का नंबर सेवन है सो इफ़ दे आर वॉन्ट डू एनी थिंग दे शुड ट्राई विद नंबर सेवन ऑफकोर्स हमारी आगे वीडियोज़ न्यूमरोलॉजी में डिटेल में आएंगी बट इनके लिए नंबर सेवन है फिर हम आ जाते हैं लिब्रा लिब्रा के लिए ये एक अच्छा है और ये आराम से बैठ के कुछ डिसीजनस करेंगे आ, ये भी अगर इनकी कोई लव लाइफ के अंदर लड़ाई हो रही है तो आई वुड एडवाइज़ कि ये ब्रेक ले लें इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड नेगोशिएटिंग ब्रेक ले लें ताकि ब्रेक के बाद आप एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ भी जाए या जाहिर या वदूदो या हको या जाहिर हो जाहिर कर या वदूदो लव और हक में मेरे जो बेहतर है वो आए तीनों को मिला के पढ़ें आपके लव के मसले इन तीनों नामों से क्लेरिटी में बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व होंगे मनी को बिल्कुल रूथलेसली या वाइल्ड तरीके से आपने ना इन्वेस्ट करना है हाँ अगर अपने पे स्पेंड करना है तो वो दैट्स ओके बट आप सोच समझ के इस हफ्ते में इन्वेस्टमेंट करें दे कैन बी रिस्की सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट स्कॉर्पियो अगेन थोड़ी सी बैक की प्रॉब्लम हो सकती है दे ओवर एक्जर्टेड देम सेल्फ इस कोशिश करें कि फिजिकल एग्जर्शन थोड़ी करें मेंटल एग्जर्शन आप बेशक ज़्यादा कर सकते हैं या सलामों या हकीमों या सलामों या हकीमों का कॉम्बिनेशन भी और होता है कि अगर आप बैठ के आ, अपनी हेल्थ को कामली ठीक करना चाहते हैं तो मॉडरेट एक्सरसाइज करके कोई भी क्रिएटिव चीज़ करें तो या हकीम हो या सलाम हो और उसके साथ आप या जाहिरो भी ऐड कर सकते हैं दैट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस पे सेजिटेरियस का ट्रैवल कार्ड बहुत अच्छा है देखो भी रेनोवेटिंग अ प्रॉपर्टी मे बी बाइंग अ प्रॉपर्टी और न्यू ऑटोमोबाइल सो इट्स अ न्यू हैपनिंग वीक फॉर देम इनको इसलिए नज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा या बारी हो एक सौ दो मरतबा पड़े सूर्य कोसर का इस्तेमाल करें और करें और अपने वीक को बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग में इन्वॉल्व करें आउटडोर में करें एज दे लव आउटडोर एंड एक्सरसाइज एंड मीटिंग पीपल व्यूज़ ये तो हमारा छोटा सा ब्लॉग था आई होपू इन्जॉयडेड हम नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे तब तक खुदाफि